हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंट्स ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजी के बैकग्राउंड में आप इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीजी के बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आकर आपको क्लिक करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन पर। उसके बाद आपको आना है डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आ रहा है मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज, जहां पर आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको स्पेसिफाई कंपनी बैकग्राउंड इमेज, आपकी जहां पर इमेज पड़ी है आपको वो पास देना है। पास देने के लिए सामने जो एक बुक जैसा निशान है आपको जहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड में ये इमेज लगाना चाहता हूं, मैं जहां पर इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद फिट टू स्क्रीन, आप पूरी स्क्रीन पर फिट चाहते हैं तो जहां पर एडजस्ट करेंगे। अगर आप किसी और साइज में चाहते हैं तो जहां पर आप नो करके उसका साइज दे सकते हैं कि टॉप में आप कितने इंच पर चाहते हैं और लेफ्ट में आप कितने इंच पर चाहते हैं। हम जहां पर फिट टू स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम ओके करेंगे और देखेंगे कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे शो होती है। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारी इमेज आ चुकी है। उसके बाद आप कुछ भी बीजी में काम कर सकते हैं और बैकग्राउंड में आपकी ये इमेज शो होगी। इसके बाद वो इमेज के साथ सेकंड ऑप्शन है उसकी बात करते हैं, मेंटेन कंपनी लोगो इमेज। अगर आप कंपनी का लोगो भी लगाना चाहते हैं तो आपको जहां पर जैस करना होगा। उसके बाद आपको स्पेसिफाई कंपनी लोगो इमेज, कंपनी लोगो का इमेज आपकी जहां पर पड़ी है आपको वो पास देना होगा। जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद आपको ओके करना है। आप राइट साइड पे नीचे देख सकते हैं आपकी कंपनी का जो लोगो होगा वो जहां पर शो करेगा। अगर आप कंपनी के लोगो को अपने बिल में भी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको आना होगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में। इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में आने के बाद आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद सेल इनवॉइस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप राइट साइड में लोगो के ग्रुप में देख सकते हैं जहां पर आपको जैस करके इसकी डिटेल भरनी है। इमेज पथ आपको इमेज का पथ देना है जो आपकी कंपनी का लोगो है और आप चाहते हैं कि वो बिल में प्रिंट हो। जी, मैंने उस इमेज को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद पोजीशन, क्या पोजीशन कहां पर देना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप पर लेफ्ट में देना चाहते हैं, सबसे ऊपर आप लेफ्ट में देना चाहते हैं और उसकी हाइट क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैं जहां पर एक इंच भरता हूं। उसके बाद प्रिंट टाइप कैसे देना चाहते हैं आप, सुप्रीमो पोज या क्रिएट स्पेस। हम जहां पर क्रिएट स्पेस पे क्लिक करते हैं और हाइट और विड्थ को एक एक इंच रखते हैं और उसको हम सेव कर देंगे। अब हम हमारे बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि जो हमारी कंपनी का लोगो है वो हमारे बिल में कैसे शो होगा। जे आप देख सकते हैं, जे हमारे बिल का प्रिंट प्रीव्यू है। आप लेफ्ट साइड पे ऊपर देख सकते हैं जे कंपनी का लोगो आ रहा है। आप इसको नीचे भी ला सकते हैं और राइट साइड में भी कर सकते हैं। जहां पर आपको ठीक लगता है आप वहां पर अपनी कंपनी का लोगो इसमें शो कर सकते हैं। जहां पर आप पोजीशन में दे सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, टॉप राइट। अगर आप राइट में देना चाहते हैं तो आप जहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेंटर में देना चाहते हैं तो आपको टॉप सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से जहां पर हाइट और विड्थ दे देनी है। इस तरह आप अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी कंपनी का लोगो सेट कर सकते हैं। ये तो थी वीडियो के आप जी में बैकग्राउंड में इमेज
और कंपनी का लोगो कैसे सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।